नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। बात करेंगे बीएड टेट 2011 की। दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने जो कहा था, मैंने जो पिछले वीडियो बनाए थे वो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे या देखे होंगे तो निश्चित रूप से वही चीज़ें हो रही हैं जो मैं पहले कह रहा था। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी 72,825 शिक्षक भर्ती, डाटा ना देने वाले प्राचार्यों बीएसए के वेतन से होगी वसूली। सरकार कितनी कसमकस में है और कितनी जल्दबाजी में है फीस वापसी को लेकर के। अब यहाँ पर अगर पूरी डिटेल देखें तो यहाँ पर देखिएगा, यूपी में 72,825 शिक्षक भर्ती निरस्त होने के बाद, यहाँ पर देखिए निरस्त होने की, जबकि निरस्त नहीं हुई है। एकेडमिक अलग है और टेट अलग है। टेट से भर्ती हुई है, एकेडमिक विज्ञापन निरस्त नहीं हुआ, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है कि निरस्त हुआ। निरस्त होने के बाद शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन किए। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने अभ्यर्थियों की जानकारी बीएसए और डायरेक्ट प्राचार्य से मांगी थी। कई जगहों से डाटा नहीं मिल पा रहा। रविवार को सचिव ने 23 अगस्त तक डाटा ना भेजने वाले बीएसए डायरेक्ट प्राचार्य को चेतावनी पत्र लिखा और कहा डाटा ना भेजने पर शुल्क वापसी उनके वेतन से की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार को कितनी जल्दबाजी है फीस वापसी करने को लेकर के। इसके अलावा शुल्क वापसी के लिए कई अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इसके बाद 2018 में परिषद ने शुल्क वापसी के आदेश जारी किए थे, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया। हाल ही में कोर्ट ने फिर शुल्क वापसी के आदेश दिए हैं, जल्दी इसकी सुनवाई की तारीख लगेगी। तो दोस्तों मैंने पहले कहा था कि कई सारी रेट आपको देखने को मिल सकती हैं, तो वही हो रहा है। लगातार रेट के माध्यम से लोग जा रहे हैं और सेम जो आदेश हुआ था वही सेम आदेश हो रहा है। और उसके बाद जो है अकाउंट नंबर वगैरह साझा किए जा रहे हैं और अभ्यर्थी अपना शुल्क वापस ले रहे हैं। ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, वही अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं और अपनी फीस वापस ले रहे हैं। बेसिक शिक्षकों के 72,825 पदों के लिए 2012 में विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए जिलेवार आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कई जिलों से आवेदन किए। ऐसे भर्ती भी रहे जिन्होंने 40 से 45 जिलों में आवेदन किया था। विज्ञापन में त्रुटि के कारण ये भर्ती निरस्त। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार छापा जा रहा है कि भर्ती निरस्त कर दी गई, जबकि जो नया विज्ञापन था, चाहे पुराना विज्ञापन था, उसमें गैर भर्ती हो गई और नया विज्ञापन था उसको ना कोर्ट ने खारिज किया ना सरकार ने निरस्त किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर छाप रहे कि निरस्त कर दिया गया। उसके बाद नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ली गई फीस आज तक वापस नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए माननीय न्यायालय से आदेश हुआ और यहाँ पर सचिव द्वारा भेजा जा रहा है, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, मतलब जितने भी ज़िले हैं वहाँ भेजा जा रहा है कि भाई विनय कुमार पांडे के नाम से याचिका आई है और जो है यहाँ पर फीस वापसी से संबंधित है और न्यायालय की सुनवाई की तिथि समयबद्ध 28 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है और 20 तारीख को ये आदेश आ जाता है सचिव की तरफ से कि भाई जल्दी से फीस वापस कर दीजिए। और नीचे बाकायदा पूरा फॉर्मेट दिया जाता है और इस फॉर्मेट, तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि भाई जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं वो फीस वापस ले रहे हैं, कोई भी विज्ञापन निरस्त नहीं हुआ है, 95 लोगों की नियुक्ति भी हुई है नए विज्ञापन से, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो सकती है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, जो 2011 के अभ्यर्थी हैं। दोस्तों जो विनोद कुमार की याचिका थी जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया हुआ था वो आपने देखा होगा, तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि भाई विनोद कुमार जो है क्यूरेटिव पिटिशन के माध्यम से लड़ रहे हैं और इन्होंने अपने प्रेयर में मांग की थी कि भाई 839 के सापेक्ष हमको भी नौकरी दी जाए, क्योंकि 24 फरवरी को ऑर्डर हुआ, उसके बाद फिर से एक ऑर्डर हुआ, लेकिन कई ऑर्डर होने के बावजूद भी जो हमको सेम पैरामीटर पे नियुक्ति नहीं दी गई और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे और जो विनोद कुमार हैं एक प्रॉपर चैनल से लड़ रहे हैं। पहली बात तो सिंगल बेंच से हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच से और फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन डाली हुई है और ये केस 23 तारीख को लिस्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 तारीख को ये केस लिस्ट हो गया है और बेंच बन गई है, आइटम नंबर 1002 पे है। हॉनेबल द चीफ जस्टिस इसमें रहेंगे, हॉनेबल मिस्टर जस्टिस संजय किशन कौल, हॉनेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, हॉनेबल मिस्टर जस्टिस रविंद्र भट्ट। चार जजों की पीठ जो है इसकी सुनवाई करेगी।
23 तारीख को सुनवाई होने की संभावना है। और यदि ये मामला एक्सेप्ट होता है तो निश्चित रूप से 23 तारीख को कहीं ना कहीं से जो है नोटिस इशू होगा सरकार को। नोटिस इशू होने के बाद जो है ये इस मामले में थोड़ा सा जान आएगी, तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगी। फिलहाल विनोद कुमार ने जो लड़ाई लड़ी है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। एक प्रॉपर चैनल से गए हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से 839 के सापेक्ष जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है उस पर बात कर रहे हैं कि भाई 83 नंबर वाला नौकरी कर रहा है और 116 नंबर जिसके हैं वो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो इसलिए जो है हम लोग आपकी शरण में आए हैं और आप हमें जो है उचित जो जहाँ पर समानता का उल्लंघन ना होता हो निर्णय करें। तो यहाँ पर विनोद कुमार की याचिका लगभग मान के चलिए 23 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है दोस्तों, और 23 तारीख को चंद्रयान 3 भी चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो बहुत सारी घटनाएं जो है 23 तारीख को होने वाली हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये मामला सुना गया तो इस पर क्या कोर्ट का क्या रुख होता है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो नोटिस शुरू में नोटिस इशू होती है और एक डेट और लगती है, उसके बाद पूरा मैटर क्लियर होता है कि भाई क्या होना है। फिलहाल आगे की जो प्रक्रिया, अगर नोटिस इशू होती है तो कहीं ना कहीं जो क्यूरेटिव पिटीशन है एक्सेप्ट हुई, अगर नोटिस इशू हुई तो यहाँ पर कई सारी आईएएस और कई सारी रिट पिटीशन इससे टैग हो सकती है आगे चल करके आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो निश्चित रूप से विनोद कुमार के साथ जाना चाहेंगे जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और कहीं वो जॉब नहीं कर रहे हैं या जॉब में नहीं हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 23 तारीख को ये मामला सुना जाए और सरकार को जो है नोटिस इशू हो, उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया होगी निश्चित रूप से यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल जो फीस वापसी का मुद्दा है उसको लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि सरकार ने विज्ञापन भी निरस्त नहीं किया, ना कोर्ट ने विज्ञापन निरस्त नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि भाई यदि आवश्यक हो तो बात जो दूसरा विज्ञापन है उसको भी रन किया जाए, लेकिन जो याची हैं उनको उनकी नियुक्ति करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, तो ना कोर्ट ने निरस्त किया ना सरकार ने निरस्त किया, लेकिन फीस वापसी को लेकर के कि आगे चल करके अगर मैटर ये सुनील कुमार यादव की याचिका में आगे चल करके मैटर फंसता है तो निश्चित रूप से सरकार ये दिखाने का प्रयास करेगी कि भाई हमने देखिए फीस इस विज्ञापन की वापस कर दी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है और ये विज्ञापन जो है शून्य हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगी। इसीलिए देखिए यहाँ पर BSA के वेतन से वसूली की बात हो रही है और प्राचार्यों के वेतन से वसूली की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत ही ज़्यादा सजग है 72,825 को लेकर के। मैंने पहले भी कहा था जैसे ही एक याचिका निस्तारित हुई थी उसमें फ़ीस वापसी का आवेदन हुआ था, उस पर ऑर्डर आया था, तो मैंने पहले कहा था कि कई सारी याचिकाएं पढ़ने वाली हैं फीस वापसी को लेकर के, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया निश्चित रूप से वो अपनी फीस वापस लेना चाहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।